हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल बी योरसेल्फ। और मैं हूँ ज़िबा। आज मैंने किया है ये लुक क्रिएट। आज का मेकअप होने वाला है। हम यहाँ पे कोई ब्लेंडर, कोई ब्रश, कोई कुछ यूज़ नहीं करने वाले हैं। हम अपने मेकअप करने वाले हैं विद आवर फिंगर्स। और मैंने अपने फिंगर यूज़ करके ये वाला मेकअप अचीव किया है। आई होप अच्छा लग रहा है। अगर हम कहीं गए हैं, अगर आप कहीं जा रहे हैं और बाई चांस कि आप अपना ब्रशेस भूल गए या फिर आप अपना ब्लेंडर भूल गए, आई होप कि आप ना भूलें। अगर आप भूल जाते हैं तो आप कैसे मेकअप करेंगे? सो आज मैंने वो किया है। और अगर आप देखना चाहते हैं कि मैंने कैसे क्रिएट किया है तो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। बट प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ प्राइमर। मेरे पास यहाँ पे है ब्लू हेवन का प्राइमर, मैं इसे यूज़ करूँगी। लेट एब्जॉर्ब इट 10 सेकेंड के लिए, इसको छोड़ दें, देन हम अपना मेकअप स्टार्ट करेंगे। सो नेक्स्ट आई एम गोइंग टू यूज़ कंसीलर। तो मेरे पास यहाँ पे है ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर। मैं ऐसे अपने सारे डार्कर एरिया पे लगा लूँगी। और हम इसको करेंगे अच्छे से ब्लेंड। आपके पास कुछ भी है, ब्लेंडर है, ब्रश है, या आप अपना हैंड यूज़ कर रहे हैं, अंडर आई में आप हमेशा उसको डैब डैब करेंगे, ड्रैग नहीं करेंगे। सो नेक्स्ट हम कर लेते हैं इसको सेट। तो मेरे पास यहाँ पे है ये मेरा लैक्मे 925 का फेस पाउडर। मैं इसको डैब डैब करूँगी। गाइस, हम सबको पता है कि पाउडर को हम हैंड से नहीं लगा सकते, उसके लिए हमें कुछ चाहिए ही, तो हम खुद से चीटिंग कर रहे हैं। सो ये हमारा हो गया है सेट। नेक्स्ट इज ब्राउज। ब्राउज के लिए मैं अपना काजल है, मैं उसको यूज़ करूँगी। बट इससे पहले हम अपनी ब्राउज को हल्का सा उसकी ग्रोथ को अपर डायरेक्शन में कर देंगे, बिकॉज अगर वो ऐसे रहेंगी तो बहुत गंदी रहेंगी। और मेरे पास यहाँ पे एक इसका काजल, तो मैं उसे एज अ आईब्रो पेंसिल यूज़ करूँगी। नेक्स्ट इज आई मेकअप विद आर फिंगर। तो यहाँ पे मेरे पास है हिलारी रोडा का पैलेट। मैं इसमें से एक ये वाला पिंक शेड है, मैं उसको अपनी फिंगर में लूँगी बहुत थोड़ा सा, और बहुत हल्के हल्के मैं इसको लगाऊँगी एंड ब्लेंड करूँगी। इसको हम अपनी पूरी लिड पे लगाएंगे, बहुत कम प्रोडक्ट लेके और बहुत आराम आराम से, ताकि ऐसा ना लगे कि हमने कुछ ला के और चिपका दिया अपने आज पे। तो हम इसे बहुत हल्का हल्का लगाएंगे एंड ब्लेंड करेंगे। ये हल्का सा टाइम लेगा बट कोई बात नहीं, बट आप इसको बहुत आराम आराम से और बहुत हल्के हल्के से जस्ट ब्लेंड करेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने क्रीज के ऊपर जाएंगे अच्छे से ब्लेंड करने के बाद। सो इतना इतना हमने कर लिया है। नेक्स्ट मेरे पास यहाँ है डार्क मरून काइंड ऑफ शेड। मैं इसको अपनी दूसरी फिंगर में लूँगी, ये वाले में। जस्ट हम इसको अपने आउटर वी में लगाएंगे। अपने पूरे लिड पे नहीं जाना है, हम इसे हल्का हल्का अपने आउटर वी में लगाएंगे और हल्का हल्का ब्लेंड करेंगे। उससे एक ब्यूटीफुल सा कलर क्रिएट होगा। और मेक श्योर कि आप उसे अच्छे से ब्लेंड करें। सी, सो सेम विथ अदर आई एंड सेम फिंगर। नेक्स्ट मैं लूँगी अपनी छोटू वाली फिंगर और ये वाला जो हमने शेड बाबा लास्ट में लगाया आउटर वी में, उसको लेके हम एज अ काजल ड्रॉ करेंगे एंड दोनों को अच्छे से आपस में मिक्स कर देंगे। नेक्स्ट मैं लूँगी अपनी ये वाली फिंगर, बिकॉज हमारी ये फिंगर बची हुई है, तो इसमें मैं एक ब्राउन शेड लूँगी और हम इसे एज अ लाइनर ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट इज मस्कारा, बट उससे पहले कर लेंगे अपने लैशेस को कर्ल। सो यहाँ पे मेरे पास है मेरे ये किस ब्यूटी का मस्कारा, तो मैं इसे अप्लाई करूँगी। इसको लगाने के बाद आपको फॉल्सेस की ज़रूरत ही नहीं है, ट्रस्ट मी। सीधा डिफरेंस। नेक्स्ट इज ब्लश। ब्लश के लिए मैं अपनी लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। आई थिंक लिपस्टिक से ज़्यादा अच्छा ब्लश लग जाएगा। सो यहाँ पे मेरे पास ये पीस काइंड ऑफ लिपस्टिक है, तो मैं इसे एज अ ब्लश अप्लाई करूँगी विद माय फिंगर्स। सो नेक्स्ट इज हाइलाइटर। हाइलाइटर के लिए मैं अपना शिवाना का हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ और मैं अपनी ये वाली फिंगर से हाइलाइटर को लगाऊँगी बहुत थोड़ा थोड़ा।
लेटर हमारा लग गया है एंड यू कैन सी। और लास्ट है मेरे पास लिपस्टिक, तो यहाँ पे मैं अपनी मैक की लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ इन द शेड 15। सो दिस इज़ माई फाइनल लुक यू गाइज। आई होप आपने इन्जॉय किया हो, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। तो अगर आपको अच्छी लगी है देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।